तो मैं गया था आज सुजुमे फिल्म देखने, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां मैं रहता हूं वहां पर सुजुमे का सिर्फ एक ही शो लगा था, दोपहर 2 बजे का। और जहां मैं रहता हूं मेरे घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है पीवीआर का थिएटर, और किसी कारण मुझे बहुत ही ज्यादा देर हो गया था और मैं घर से निकला था 1:30 बजे। मैं और मेरा दोस्त था और हम दोनों तेजी में स्कूटी से यार जा रहे थे कि जल्दी से पीवीआर पहुंचे, क्योंकि फिल्म था एग्जैक्ट 2 बजे का और हमने अभी तक टिकट भी बुक नहीं किया था। तो हम लोग यार पूरा तेजी से जा रहे थे और हम लोग वहां पर पहुंचे 2:10 में। तो हम लोग ने जल्दी से टिकट बुक किया और फिर हम लोग पहुंचे थिएटर के अंदर, और थिएटर के अंदर भीड़ यार खचाखच भरा हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट यार फुल था थिएटर। और मैं खुश हूं कि जब मैं वहां पे पहुंचा तो फिल्म स्टार्ट नहीं हुआ था, प्रोमो ही दे रहा था और ट्रेलर आ रहा था। और मैंने ये फिल्म देखी हिंदी में, और जितने भी इस फिल्म के यार डबिंग आर्टिस्ट हैं सबने यार बहुत बढ़िया काम किया है। इसमें सुजुमे को हिंदी में वॉइस दिया है दीपिंती भोभास्कर ने, और यार उन्होंने काफी यार बढ़िया काम किया है। चाहे यार रोने वाला सीन हो या हंसने वाला सीन हो या गुस्से वाला सीन हो, सब सीन में उन्होंने काफी यार बढ़िया डबिंग किया है। उनकी डबिंग को मैं 10 out of 10 दूंगा, और उनकी वॉइस भी काफी यार बढ़िया सूट कर रही थी। ट्रेलर में उनका वॉइस उतना बढ़िया नहीं लग रहा था, लेकिन फिल्म जब मैंने पूरा देखा तो इस कैरेक्टर के लिए उनकी वॉइस बहुत ही यार परफेक्ट है। इसमें सोता को डब किया है राजेश शुक्ला सर ने, और उन्होंने भी काफी यार बढ़िया डब किया है। उनके डबिंग को भी मैं 10 out of 10 दूंगा। और इसमें डाइजिन को हिंदी में वॉइस दिया है पौरवी पांडे ने, और उन्होंने भी काफी यार बढ़िया काम किया है, और उनको भी मैं 10 out of 10 दूंगा। और बाकी के भी जितने कैरेक्टर्स हैं उन्होंने भी काफी यार बढ़िया काम किया है। तो आप चाहो तो ये फिल्म को यार हिंदी में भी देख सकते हो। मैंने ये फिल्म तो यार हिंदी में देखी और मुझे यार काफी मजा आया। इस फिल्म में यार कॉमेडी है, एडवेंचर है और बहुत कुछ है। अगर इस फिल्म की कहानी की बात करूं तो इसकी कहानी में होता यह है कि जो सोता है वो अर्थ का गार्डियन रहता है, जो कि यार वीरान जगह पर जो यार दरवाजा होता है उसको बंद करता है, क्योंकि उन दरवाजों से आता है शैतानी कीड़े जो कि यार तबाही मचाते हैं, जिसकी वजह से भूकंप आता है। तो इसलिए वो दरवाजा को ढूंढता है और उन्हें यार बंद करता है। तो एक दिन वो जहां सुजुमे रहती है वहां पर वो आ जाता है, और वो सुजुमे से पूछता है कि क्या यहाँ पर कहीं वीरान जगह है। तो सुजुमे उसे देखकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और उसे वो बता देती है। और उसके बाद जब सुजुमे अपने स्कूल जाती है तो वहां पर भी वो उसी के बारे में सोचती है, उस लड़के के बारे में। और फिर अचानक से वो स्कूल से वीरान जगह पे आ जाती है उस लड़के को ढूंढने के लिए। और जब वो वहां पर आती है तो देखती है कि वहां पर एक दरवाजा है, और उसके बाद जब वो दरवाजा को खोलती है तो वो अनंत काल में पहुंच जाती है। और वहां पर जो डाइजिन का पत्थर होता है वो पानी में गड़ा हुआ होता है, और डाइजिन बोलता है सुजुमे को कि प्लीज मुझे बचाओ, मुझे यहां से निकालो। और जब सुजुमे उस पत्थर को वहां से निकालती है तो डाइजिन पत्थर से अचानक से एक बिल्ली में बदल जाता है, और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। और जो सुजुमे है वो भी दरवाजा खुले छोड़कर वहां से अपने स्कूल आ जाती है। और जब वो अपने स्कूल आती है तो देखती है कि आसमान में कुछ धुआं टाइप का उठ रहा है, उसे लगता है कि कहीं पर आग लगी हुई है। और जब वो बाहर निकल के देखती है तो उसे सोता भी मिल जाता है, और उसके बाद सोता और सुजुमे दोनों जाकर उस वीरान जगह पर उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। और उसके बाद जो सोता है वो सुजुमे के घर आ जाता है, और वहीं पर जो वो बिल्ली है जो कि वहां से आजाद हुई थी वो भी वहीं पे होती है। और वो सुजुमे को बोलती है कि तुम मुझे अच्छी लगी, और वो सोता को बोलती है कि तुम हो जाओ छू मंतर। और उसके बाद जो सोता है वो कुर्सी में बदल जाता है। तो फिर सोता कैसे इंसान में बदलता है, और सुजुमे और सोता मिलकर कैसे उस डाइजिन को उस पत्थर में बदल के वहां पर कैद करते हैं, यही सब आपको इस फिल्म में देखने को मिलता है। और ये फिल्म मुझे यार काफी बढ़िया लगी, और मैं चाहूंगा कि आप भी जाकर इस फिल्म को पीवीआर थिएटर में एंजॉय करें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ यार, जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा
कि सुजुमे के ऑल कैरेक्टर्स के हिंदी डबिंग आर्टिस्ट का वीडियो मैंने बना दिया है, तो अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप आई बटन से या एंड स्क्रीन से उस वीडियो को देख सकते हो। थैंक यू।